मैं सिद्धि खंडेलवाल केंद्रीय विद्यालय अहमदाबाद छावनी की छात्रा कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को अपने गांव से मिलवाना चाहती हूँ जो मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ के लोगों में अपनापन, यहाँ की संस्कृति और इतिहास, ये सभी चीज़ें मुझे अपनी ओर खींचती हैं। और शायद इसलिए भी क्योंकि यहाँ मेरे बचपन तथा मेरे परिवार की कई सारी सुंदर यादें जुड़ी हैं। तो आइए सुनते हैं मेरे गांव की कहानी, मेरे गांव की जुबानी। मैं हूँ विराटनगर। मेरा 3000 वर्ष पुराना इतिहास रोचक तथ्यों और रहस्यमय गाथाओं से भरा है। मैं मत्स्य देश की राजधानी हुआ करता था। यह वही विराटनगर है जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास की एक वर्ष की अवधि पूर्ण की थी। इस नगरी के राजा उस समय महाराज विराट थे। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जो ये संकेत करते हैं कि पांडवों ने यह समय बिताया था। प्यास लगने पर भीम ने अपने पैर से मारकर धरती से जो पानी निकाला था वह आज भी नहीं सूखा है। राजस्थान की भीषण गर्मी के बावजूद वह पानी वैसा का वैसा ही है। इस स्थल को भीमलता के नाम से जाना जाता है। भीम की डूंगरी एक विशाल गुफा है और कई पौराणिक कथाओं की वजह से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली भाई भीम ने इसे अपने अज्ञातवास के स्थल के रूप में चुना था। यह अशोक शिलालेख है जो सम्राट अशोक द्वारा जारी किया गया बहुत ही पुराने पत्थर पर बना हुआ आज्ञा पत्र है। बीजा की पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ बौद्ध मठ के कई अवशेष आपको मिलेंगे और इतिहास के कई सुनहरे पन्नों का राज आपके सामने खुलेगा। कहा जाता है कि यहाँ स्थित 8 मठ उस समय भी अस्तित्व में थे जब ह्वेनसांग ने 634 ईस्वी में यहाँ का दौरा किया था। मंदिर के बाहरी दीवारों पर बौद्धिक शिलालेख खुदे हुए हैं जो अशोक की अवधि के ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। आप यहाँ सम्राट अशोक के दूसरे आज्ञा पत्र को विशाल ग्रेनाइट के गोल पत्थर में खुदा हुआ पाएंगे। यहाँ धार्मिक स्थलों एवं संस्कृति का बहुत महत्व है। सभी धर्मों के मंदिर एवं मस्जिद अपनी पौराणिक गाथाएं स्वयं बताते हैं। गणेश जी का यह एक प्राचीन मंदिर है जो स्वनिर्मित शिला के रूप में है, इसलिए इसकी महत्ता और मान्यता दूर दरार के सभी शहरों तक फैली हुई है तथा लोग दर्शन लाभ हेतु पधारते हैं। यह वर्ष में एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। हनुमान जी की पहचान उनकी पूत से है। यह उनको प्रिय भी है, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ हनुमान जी की बिना पूछ वाली प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का नाम व्रजांग मंदिर है। यह मंदिर भीम डूंगरी पर स्थित है। जैन समाज का प्राचीन मंदिर नसिया जी है जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यह जैन मुनियों का आवागमन लगा रहता है। यह अनेक कीमती पत्थरों का खजाना भी मिला है जिन्हें मंदिर के धरोहर के रूप में रखा गया है। यहाँ का व्यवसाय मुख्य रूप से खेती है। यहाँ गेहूं, बाजरा, मक्का, चना आदि अन्न उत्पादित होता है। मुख्य फसल के बाद सब्जी की पैदावार भी होती है। यहाँ का पहनावा राजस्थानी है। पुरुष धोती कुर्ता एवं महिलाएं लुगड़ी एवं घाघरा पहनती हैं। विराटनगर में सभी धर्मों के त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ विशेष रूप से तीज एवं गंगोर की सवारी निकाली जाती है। आज विराटनगर राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में एक गाँव है। यह जयपुर से लगभग 90 किलोमीटर और अलवर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आशा करती हूँ कि आप सभी को बैराट के बारे में जानकर आनंद मिला होगा। धन्यवाद।